बरखा दत्त विदेशों में करना चाहती थी भारत को बदनाम। तुम्हें इंटरव्यू देकर भारत की छवि नहीं बिगाड़ सकती। महिला बाइक राइडर ने बरखा दत्त को धोया। झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में भारत की महिला बाइक राइडर कंचन उगुर साड़ी ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में विरोध जताया था। इसे देखकर कई मीडिया कर्मियों ने उनका इंटरव्यू करना चाहा, लेकिन कंचन ने साफ कहा कि उन्हें जो कहना था वो अपनी वीडियो में कह चुकी। वो किसी मीडिया हाउस को पर्सनल इंटरव्यू नहीं देंगी। इसी लिस्ट में पुरानी पत्रकार बरखा दत्त भी थी, जिन्हें कंचन ने अलग से रिप्लाई देकर धोया और दोनों के बीच हुई बात का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि बरखा दत्त जैसे पत्रकारों पर क्या देशद्रोह का केस चलना चाहिए? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या था मामला? झारखंड के दुमका से 1 मार्च 2024 को एक स्पेन की व्लॉगर के रेप की खबर आई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इस संबंध में रोष प्रकट करने लगे। उसी क्रम में कंचन ने भी अपनी वीडियो शेयर की। उन्होंने इसमें कहा था, मेरा नाम कंचन उगुर साड़ी है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। जब मैंने झारखंड की न्यूज सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। वो जो स्पेनिश लड़की थी वो अपनी पति के साथ यहाँ घूमने आई थी और झारखंड में जब उसके साथ ऐसे होने की बात सुनी तो मन किया सबको मार दूं। झारखंड की सरकार और पुलिस अपने हाथ में चूड़ी पहन ले। लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बरखा दत्त ने मांगा इंटरव्यू। स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि बरखा दत्त ने कंचन को मैसेज कर उससे बात करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, कंचन क्या मैं इस टेरिबल रेप केस मामले में तुम्हारा इंटरव्यू कर सकती हूँ? क्या तुम इस पर बोलना चाहोगी या फिर अगर रेप पीड़िता से बात हो जाए तो? इस पर कंचन ने रिप्लाई किया, एक महिला सोलो राइडर होने के नाते ये मेरा निजी रोष है जो मैंने सोशल मीडिया पर जाहिर किया। मैं जानती हूँ तुम मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहती हो। सॉरी, मैं रुचि नहीं लेती आपके मीडिया हाउस को कंटेंट देने में, जिससे मेरे महान देश भारत की छवि बिगड़े। मेरा बायो देखो जिस पर साफ लिखा है राष्ट्र सर्वप्रथम।